अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड का हलवा, और ये बहुत ही आसान, क्विक और जो है वो मज़े का जो है ये हलवा है। और इसके लिए कौन सी आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, ये मैंने 8 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, और ये मैंने वाइट ब्रेड ली है। आप इसकी जगह पे ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और मीडियम यानी 50-50 भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने साथ में 2 कप जो है ये मिल्क यूज़ होगा, ये ड्राई मिल्क है और ये फुल फैट ड्राई मिल्क है, ये मैंने लिया है 1/2 कप। और ये मैंने शुगर ली है, और ये है 6 टेबलस्पून। और ये गार्निश करने के लिए मैंने पिस्ताशू लिए, ये आपकी चॉइस है, आप जितनी क्वांटिटी लेना चाहें। और ये आलमंड्स हैं, और ये मैंने 4 ग्रीन कार्डिमम्स लिए हैं, और ये मैंने कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट लिया है 2 टेबलस्पून। और मैं बटर में कुक करूँगी इसको, और आप घी भी यूज़ कर सकते हैं और आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत क्विक और जल्दी बन जाने वाला हलवा है, और अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये सिंपली जो है ये आप ब्रेड ले लें, और इसको जो है वो आप इस तरह से इसके स्मॉल स्मॉल पीसेस जो है वो कर लें, और इसको जो है आप चॉपराइज़र में डाल के चॉपराइज भी कर सकते हैं, और आप इस तरह से भी जो है इसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में इसके करूँगी सारी ब्रेड को। और फिर जो है इसको मैं आपको जो नेक्स्ट इसका स्टेप है वो बताऊँगी। ये देखें, ये मैंने ब्रेड के पीसेस को जो है वो स्मॉल पीसेस में कर दिया है, और अब मैंने 5 टेबलस्पून जो है वो मैं बटर यूज़ कर रही हूँ। आप जो है वो इसके अंदर घी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखेंगे, मैंने इसके अंदर जो है वो बटर मैं ले चुकी हूँ अपने पॉट के अंदर, और जैसे ही हमारा बटर जो है ये मेल्ट होगा तो मैं इसके अंदर कार्डिमम है, ग्रीन कार्डिमम जो है उसको ऐड कर रही हूँ। ये जो है हमारी ग्रीन कार्डिमम हमारे बटर के साथ देखेंगे मैं मेल्ट होगी तो हमारी ग्रीन कार्डिमम का जो अच्छा सा फ्लेवर है वो हमारे बटर में आ जाएगा। फिर मैं अपनी ब्रेड जो है वो इसके अंदर डाल कर ब्रेड को जो है वो मैं लाइट ब्राउन करूँगी। ये देखें, अब जो है मैं इसके अंदर ब्रेड ऐड कर रही हूँ, और इसको जो है हम लाइट ब्राउन करेंगे ब्रेड को, यानी कि हम इसको फ्राई करेंगे, और लाइट ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, और फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। ये देखें, ये ब्रेड जो है इसकी बहुत अच्छी सी जो है वो फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाती है, खुशबू आ रही है इसकी, और इसका कलर भी जो है वो लाइट गोल्डन सा हो चुका हुआ है। और अब जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिल्क, और इसको मैं मिल्क के साथ कुक करूँगी। ये देखेंगे, मैंने इसके अंदर जो है वो मिल्क ऐड कर दिया, और अब जो है मैं इसको मिल्क के साथ कुक करूँगी। ये मिल्क के अंदर ही जो है ये अच्छे से कुक होने के बाद जो है ये बिल्कुल बहुत अच्छा सा नाइस सा इसका पेस्ट बन जाएगा, और मैं इसको इस तरह से प्रेस भी करती जा रही ताकि जो है ये अच्छे से मैश भी हो जाए। और अब जो मैं इसको कुक करूँगी मिल्क के साथ, और फिर आपको नेक्स्ट बताऊँगी। ये देखें, ये जो है ये हमारी ब्रेड अच्छे से जो है इसके अंदर घुल गई, मिक्स हो गई है, और हमने इसको उस वक्त तक कुक करना है जो ये हमारा जो मिल्क है ये ड्राई हो जाए। लेकिन मैं अब इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ, और जो शुगर है वो आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और अब जो है ये इसके साथ जो है मैं उस वक्त तक कुक करूँगी जब तक ये हमारी हमारा जो मिल्क है ये अच्छे से जो है ये ड्राई हो जाए। ये देखें, अब जो है इसके अंदर जो कोकोनट था उसको ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं मिक्स करूँगी। और हम इसको जो है वो कुक करते रहेंगे जब तक जो है ये हमारा ऑयल जो है यानी कि जो हमारा बटर है वो हमारा सरफेस पे नीचे आना शुरू हो जाए, और ये जो इसकी स्टिकीनेस है ये कम हो जाए। और अब जो है मैं इसके अंदर लास्ट में जो है अपना ड्राई मिल्क यूज़ कर रही हूँ, और अगर आपके पास मावा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि खोया।
और अगर नहीं है तो आप इससे खोया भी बना सकते हैं ड्राई मिल्क से। और अभी जो है मैंने इसको इसके अंदर मिक्स कर दिया है और मैं इसको अब अच्छे से भूनूंगी। ये देखें, ये हमारा जो हलवा है ब्रेड का, ये इस तरह से अब ये स्टिकी होना बंद हो गया है। और ये देखें, ये जो ऑयल है ये इसके सरफेस पे बहना शुरू हो गया है। ये देखें, ये आ रहा है और ये इस तरह से इस फॉर्म में आना चाहिए। और अभी जो है मैं इसके अंदर हाफ नट्स जो है वो अभी ऐड करूँगी, और जो हाफ नट्स हैं वो मैं गार्निश के लिए रखूँगी। और इसको मैं मज़ीद जो है वो 3 to 4 मिनट्स के लिए मज़ीद जो है ये मैं इसको अच्छे से जो है वो भूनूंगी। और फिर जो है मैं इसको सर्व करूंगी। ये देखें, ये हलवा जो है अब बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। और इसके अंदर जो है वो इसका जो बटर है वो देखें वो सरफेस पे जो है ये आना शुरू हो गया है। और ये बिल्कुल रेडी है और अब जो है हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें, यहाँ हमारा मज़ेदार ब्रेड का हलवा तैयार है। और सर्दियों के मौसम में ये बहुत ही अच्छा लगता है और ये जल्दी बन जाता है। आप इस रेसिपी के साथ ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। और सर्दियों में बनाएं और खाएं, इंजॉय करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें। और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।